नमस्कार दोस्तों, हम में से हर आदमी के पास एक एंड्रॉयड फोन है और हर आदमी ये जानना चाहता है कि एंड्रॉयड फोन की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी बैटरी लाइफ को कैसे जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज का वीडियो हमारा इसी के बारे में है कि एंड्रॉयड की परफॉर्मेंस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं और उसकी बैटरी लाइफ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैं हूँ सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेलफ्रेंड, एंड्रॉयड मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना और उसकी बैटरी लाइफ को बढ़ाने का सबसे पहला टिप्स है वो ये है कि आप हमेशा अपने मोबाइल फोन का वॉलपेपर जो है उसको ब्लैक लगाएं। ब्लैक वॉलपेपर क्यों लगाना है? क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ फोन जितने भी हैं, जैसे सैमसंग के लगभग हर फोन के अंदर MOLED की स्क्रीन जो है वो यूज की जाती है। ये MOLED स्क्रीन क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? MOLED स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन जो होती हैं, कलर पिक्सल को ज्यादा प्रकाशित करती हैं। मीन्स टू से कि उनकी ब्राइटनेस को ज्यादा बढ़ाती हैं, बट ब्लैक वाले जो पिक्सल्स होते हैं उनको बिल्कुल ब्राइट नहीं करती। अगर आप ब्लैक वॉलपेपर यूज करते हैं तो MOLEDs क्या करती हैं, ये कलर वाले के साथ ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं, ब्लैक के साथ पावर बिल्कुल यूज नहीं करती। सो आप इसको प्रैक्टिकली जो है आजमा के देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल का ब्लैक वॉलपेपर आप लगाओगे तो आपका बैटरी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा और आपका बैटरी जो है ज्यादा चलेगा और आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी। दूसरा टिप्स जो फ्रेंड्स आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और आपकी बैटरी लाइफ को भी इंक्रीज करता है वो है टाइम टू टाइम अपडेशन ऑफ एप्लीकेशंस विच यू आर यूजिंग। जो भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेट करें, क्योंकि जो भी डेवलपर नई नई एप्लीकेशन का अपडेट निकालते हैं उसके अंदर वो ध्यान रखते हैं कि मोबाइल की जो है मेमोरी का कम से कम यूज कैसे किया जा सके या मोबाइल की जो बैटरी है उसकी लाइफ को कैसे इनहेंस किया जा सके। अगर हम अपडेटेड एप्लीकेशन को जो है अपडेट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे मोबाइल का बैटरी ऑटोमेटिकली जो है इम्प्रूव हो जाता है, उसका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। मगर साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के अंदर है जिसका कि आप यूज नहीं करते या बहुत कम यूज करते हो तो उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल के बैक एंड पे चलती रहती हैं और ये मैक्सिमम टाइम आपका बैटरी ड्रेन करती हैं और आपकी मेमोरी को भी जो है ये यूज करती हैं। थर्ड स्टेप है फ्रेंड, एक एप्लीकेशन है ये जिसका नाम है ग्रैनीफी। ग्रैनीफी एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल फोन का जो है मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन और बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन करवाती है। वैसे तो हमारे पास बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ये दावा करती हैं कि वो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं और बैटरी का जो ड्रेनेज है वो कम करती हैं, मगर ग्रैनीफाई एक एप्लीकेशन ऐसी है जो कि ये काम वाकया में करती है। ये एप्लीकेशन क्या करवाती है कि जो आपका एप्स यूज नहीं हो रहा उसको जो हाइबरनेट कर देती है। मीन्स टू से कि उसको ये ऐसे कर देती है कि वो आपकी पावर भी कंज्यूम ना कर सके और आपका मेमोरी भी यूज ना कर सके। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को जो है इजीली इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, या अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को आप चेक करके देख सकते हैं क्या ये वाकया में काम करती है या नहीं करती है। सो इट्स अ गुड एप्लीकेशन टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर एंड्रॉयड फोन एज वेल एज इंक्रीज द लाइफ ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट टिप्स फ्रेंड ये है कि कभी भी अपने मोबाइल फोन के अंदर जो है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस के मोड पे उसको ना रखें। आप सोचेंगे कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस मोड जो है आपकी बैटरी को ड्रेन होने से बचाता है और जो है कि ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस हो जाती है, मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे फोन को रखते हो तो ये बहुत ज्यादा बैटरी खाता है, बल्कि मैनुअली आप जिस पे सेट कर देते हो। वो क्यों होता है कि ऑटोमेटिक कभी आप बाहर जाते हो, कभी अंदर आते हो, कभी सनलाइट में जा रहे हो, कभी आप जो है अंधेरे में जा रहे हो, तो बार बार ब्राइटनेस अप डाउन होती है जिससे वो बैटरी को कंज्यूम करता है। अगर आप चाहें तो आप ब्राइटनेस को मैनुअली जो है लो पे रखें एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। उससे क्या होगा कि आपका फोन बार बार फ्लक्चुएट नहीं करेगा, उसको बार बार जो है बैटरी से जो है पावर लेनी नहीं पड़ेगी। सो अगर आप अपने मोबाइल का ब्राइटनेस जो है वो मैनुअल पे रखते हैं तो आपका मोबाइल का जो है परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपका बैटरी लाइफ भी बढ़ेगा।
एंड फ्रेंड इन लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज अबाउट द गूगल सिंक्रोनाइजेशन। हमारे हर जो एंड्रॉयड फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर होता है और उस प्ले स्टोर को लिंक करते हैं हम अपने गूगल अकाउंट के साथ जिसको हम जीमेल बोलते हैं। तो सबके पास जीमेल अकाउंट होता है, तो आप अभी अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं और वहां पे देखें कि अगर गूगल का अकाउंट जो है ऑटो सिंक्रोनाइजेशन पे, जिसको हम ऑटो सिंक बोलते हैं, अगर वो रखा हुआ है तो उसको अभी डिसेबल कर दें। बिकॉज ऑटो सिंक्रोनाइजेशन से क्या होता है, हर 5 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद आपका गूगल का जो ईमेल अकाउंट है वो जो है सिंक्रोनाइज होता है, मींस टू से अपडेट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी को जो है वो ड्रेन करता है। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो आप जब भी अपना मेल देखना चाहें, जब भी आप मेल खोलेंगे तो आपकी मेल आएगी, बट ऑटो सिंक्रोनाइजेशन पे उसको ना रखें, सो दैट आपका बैटरी बच सके और आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस जो है बढ़ सके। सो फ्रेंड, ये थे वो टिप्स जो कि आपके मोबाइल की जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और साथ में आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ को भी बढ़ाता है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रिगार्डिंग योर मोबाइल परफॉर्मेंस या बैटरी के परफॉर्मेंस है या बैटरी लाइफ के रिलेटेड है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप उसमें लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।